तुम्हें किसने हक दिया कि तुम इतनी सुंदर लगो? वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज योर गर्ल कनिका एंड टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट नो मेकअप मेकअप लुक। दिस पर्टिकुलर नो मेकअप मेकअप लुक इज सो रिक्वेस्टेड, लाइक एंड फर्स्ट ऑफ ऑल नो मेकअप मेकअप लुक डजेंट मीन कि यू आर नॉट अप्लाइंग एनी मेकअप। So without any further ado, let's get into the video. So the first step is to apply moisturizer, whether you are wearing heavy makeup or light or even no makeup. Moisturizer is a must. Like बहुत सारे लोग ये skip कर देते हैं, moisturizer नहीं लगाते हैं, but ये बहुत ही important step है even for oily skin types. So please apply moisturizer. इससे makeup भी बहुत अच्छा लगता है एंड अगर आप मेकअप लगा भी नहीं रहे हो तो भी लगाओ, क्योंकि वाई नॉट। सो द मॉइस्चराइजर दैट आई यूज़, लाइक बहुत सारे लोगों ने पूछा कि दी आप कौन सा मॉइस्चराइजर यूज़ करते हो, हमें भी बताओ। सो मैं ये पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ। ये मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है गाइज, आप ले भी सकते हो एंड ये बहुत सस्ता भी है, सो वाई नॉट। तो मॉइस्चराइज योर फेस, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। लाइक कुछ ना करो बट प्लीज़ मॉइस्चराइज कर लो अपना फेस, क्योंकि अगर आप मॉइस्चराइज नहीं करोगे और आप सीधा मेकअप अप्लाई करोगे तो बहुत ही अच्छा नहीं लगेगा, बहुत केक की एंड बहुत बकवास लगने वाला है। सो मॉइस्चराइज योर फेस एंड डोंट फॉरगेट योर नेक ऑल्सो। सो अच्छे से अपना फेस मॉइस्चराइज कर लो, जस्ट लाइक दैट। ऑल्सो मैं क्या करती हूँ कि मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लेती हूँ एंड उसको ना अपने आँखों के नीचे ऐसे ऐसे लगा लेती हूँ, जिससे मेरी अंडर आइज भी मॉइस्चराइज हो जाए एंड बहुत अच्छा सा कंसीलर लगता है, फिर मक्खन की तरह लगेगा। सो अप्लाई दिस एंड यू आर गुड टू गो। So moisturizer is done. So the next step is to prime your face. So primer क्यों होता है? Primer इसलिए necessary होता है क्योंकि जो आपके open pores हैं वो उसको cover up कर सके and जो आपका skin का surface है वो उसको smooth बना सके and इसके बाद आप जो भी apply करोगे वो बहुत smoothly apply होगा, whether it's your foundation or concealer, whatever you want to apply on your face. The primer which I am using right now is this Wet n Wild Photo Focus Face Primer मैट। तो इसको मैं अच्छे से अपने टी जोन एरिया पे अप्लाई कर लूँगी, या आप जहाँ पे आपको ज़्यादा ऑयल सेक्रेशन होता है आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो प्राइमर इज डन एंड आफ्टर दैट आई एम यूजिंग कंसीलर टू कंसील माई डार्क सर्कल्स ब्लेमिशेज एंड नो मेकअप मेकअप लुक में आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि कंसीलर ही लगाओ अपने अंडर आइज में, और पिगमेंटेशन जहाँ पे है आपको आप वहाँ पे कंसीलर लगा सकते हो। एंड हेयर आई एम यूजिंग टू कंसीलर एंड वाई, सो दो कंसीलर मैं क्यों यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि पहला जो कंसीलर है वो पिगमेंटेड एरिया को कवर करने के लिए एंड जो दूसरा कंसीलर है वो ब्राइटन अप करने के लिए। सो द फर्स्ट कंसीलर दैट आई एम यूजिंग इज दिस LA गर्ल प्रो कंसील इन द शेड प्योर बेज। सो इससे मैं अपने डार्क सर्कल्स को कवर अप करूँगी पहले, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। एंड अगर आपको पिगमेंटेड एरियाज़ में करना है तो आप पहले अपने स्किन टोन का कंसीलर यूज़ करो एंड उसके ऊपर थोड़ा लाइट कंसीलर यूज़ करो तो बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगा। तो ये पहला स्टेप है टू कवर माई डार्क एरियाज़ ऑन माई फेस, डार्क सर्कल्स और रेडनेस। और अगर आपके पिगमेंटेशन है तो उससे ये कवर हो सकता है एंड ये मेरे को जैसे कि एग्जैक्ट निकला है न्यू, इसको मैंने नेम भी दिया था जैक, दिस इज जैक। तो मैं अपने जो यहाँ के मेरे पिंपल्स आए हुए हैं मैं इसको कवर नहीं करूँगी, क्योंकि ये नो मेकअप मेकअप लुक है एंड थोड़े से तुम्हारा फ्लॉस दिखना अच्छा लगेगा नो मेकअप मेकअप लुक पे। सो मैं सबको कवर नहीं करने वाली। सो नाउ आई एम टेकिंग माई ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड माई कंसीलर एंड दिस ब्यूटी ब्लेंडर इज़ फ्रॉम मिनीसो। एंड हमेशा अपना ब्यूटी ब्लेंडर थोड़ा सा डैम कर लिया करो गाइस, उससे आपका जो मेकअप है बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। और हमेशा जब भी ब्लेंड करो सो उसको टैप 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 मोशन में करो, कभी भी उसको ड्रैग मत करो, उससे आपका सारा प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा एंड वैसे भी ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स वो गेन करता है।
यू कैन यूज ब्रश टू. आई एम यूजिंग ब्यूटी ब्लेंडर क्योंकि मेरे पास ब्रश नहीं है अभी. सो नाउ आफ्टर दिस आई एम गोना यूज अ लाइट शेड टू ब्राइटन अप माई अंडर आई एरिया. एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड लाइट मीडियम शेड. सो इसको मैं बड़ा हल्का हल्का लगाने वाली हूँ जिससे थोड़ा सा मेरा अंडर आई ब्राइट हो जाए, बहुत ही हल्का. एंड ऑन द ब्रिज ऑफ माई नोज, थोड़ा सा चिन पे एंड थोड़ा सा फोरहेड पे. बाकी मैंने ये वाला जो एरिया मैंने बिल्कुल भी कवर अप नहीं किया क्योंकि इट्स अ नो मेकअप मेकअप लुक. सो लेट्स ब्लेंड दिस इन. अब मैं जैसे मैंने ये लाइट मीडियम शेड लगाया है अंडर आईज पे, थोड़ा ब्राइटन अप कर देगा मेरी आईज को जिससे इवेंचुअली बहुत ही अच्छा लुक आ जाएगा. सो ये हो गया है ब्लेंड. एंड आफ्टर दैट आई एम गोना यूज अ लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट आप यूज कर सकते हो या आपके पास जो भी पाउडर में है जो आप यूजुअली यूज़ करते हो टू सेट योर मेकअप. इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू सेट योर मेकअप गाइस क्योंकि अगर आप उसको लॉक इन नहीं करोगे तो वो स्मज हो जाएगा एंड वो बहुत गंदा लगने वाला है. एंड फॉर दैट आई एम गोना यूज दिस वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो कॉन्टोरिंग पैलेट कॉन्टोर. एंड इसका जो बनाना पाउडर है ना गाइस बहुत अच्छा है, लाइक इट्स रियली गुड एंड इट्स चीप टू. सो डू बाय दिस, बहुत ही प्रिटी है ये एंड ये बहुत सॉफ्ट बनाना पाउडर है इसका. सो मैं ऐसे ही अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे थोड़ा सा ये ले लूँगी हल्का सा एंड आई एम गोना पैक दिस इन लाइक हल्का हल्का टैपिंग मोशन में. हमें बेक नहीं करना है, हमें बस सेट करना है. सो दिस इज डन एंड मूविंग ऑन टू दिस साइड. सेम जैसे वो वाला करा है, यू जस्ट हैव टू सेट दिस. बेक नहीं करना है, इससे केक ही भी नहीं होगा एंड अच्छे से ब्लेंडेड भी लगेगा और बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा. एंड जहाँ कहीं भी आपने कंसीलर लगाया है वहाँ सब जगह पैक कर दो इसको. Concealer is all set in. I'm gonna use my eyebrow definer and for that I'm gonna use this Innisfree eyebrow definer. This is really good. आप ये try कर सकते हो. So eyebrows क्यों important होती है? Eyebrows इसलिए important होती है क्योंकि वही आपके face को एक structure देती है एंड वही एक आपके face को complete look देती है एंड आपको डिफाइन करती है. सो आईब्रोज आर रियली इम्पॉर्टेंट. यू हैव टू डू योर ब्राउज इवन यू आर नॉट वेयरिंग एनी मेकअप. ब्राउज करो एंड लिप टिंट लगाओ एंड यू आर गुड टू गो. सो जब भी आप ब्राउज करो तो उसको हमेशा पीछे से शुरू करो, आगे से नहीं, क्योंकि अगर आप आगे से शुरू करोगे तो वो बहुत क्लाउन जैसा ब्राउज बन जाएगा आपका एंड दैट विल लुक सो बैड. And now I'm moving towards my front brow और क्या बोल सकते हैं उसको, आगे आगे से थोड़ा सा fill in करूँगी and brush them. So now as you can see ये वाली brow कितनी प्यारी लग रही है. एंड यहाँ देखो एंड इस तरफ देखो कौन सा फेस का पार्ट कौन सा फेस का साइड अच्छा लग रहा होगा ब्रो आपको. यहाँ का ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, यहाँ का नहीं. सो फिल दिस ब्राउ टू. एंड ये ब्राउ डिफाइनर बहुत ही अच्छी है, लाइक दिस इज इन द शेड लाइक आई गेस ब्राउन में है ये. मैं ब्लैक कभी यूज़ नहीं करती ब्राउज के लिए क्योंकि आई हैव अ रियली लाइट ब्राउज. सो
this brow is also done. As you can see, I'm looking much better now. So after that, you can either use any kajal, pencil or liner. मैं दोनों में से कुछ नहीं use करती अब, क्यों पहले करती थी अब नहीं करती. So अब मैं क्या करती हूँ, मैं हल्का सा आई शेडो लेती हूँ एंड उसको हल्का सा शेड अपने आई लिड्स पे दे देती हूँ एंड देन आई एम गोना पुट मस्कारा एंड आई एम डन. एंड वो मुझे बहुत प्रिटी लगता है टू बी ऑनेस्ट. आप भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि काजल मैं जब भी लगाती हूँ वो स्मज हो जाता है एंड मुझसे काजल नहीं लगता. लाइक किसी के साथ ऐसा होता है काजल लगाते हो एंड बस यू गोना पोक योर आई सो बैडली. लाइक मेरा तो कभी नहीं होता ब्रो. मैं हमेशा अपनी जब भी काजल लगाऊंगी ना, ऐसे कभी नहीं होगा. जब काजल लगाऊंगी देन आई एम गोना लाइक दिस एंड आफ्टर दैट या यू नो वॉट हैपन्स. सो और लाइनर लगाना भी मैंने छोड़ दिया बहुत टाइम पहले से. नाउ आई एम गोना यूज़ माई फेवरेट पैलेट एंड दिस इज़ बिगनर्स फ्रेंडली पैलेट. यू कैन बाय दिस एंड ये बहुत ही अच्छी पैलेट है फॉर स्टार्टिंग अप योर मेकअप. लाइक यू नो वॉट आई मीन. सो आई एम यूजिंग हेयर वेट एंड वाइल्ड रोज इन द एयर पैलेट एंड शेड्स इस पैलेट के इतने प्यारे हैं ना, बाई गॉड. आप देखो, मैं अभी दिखाती हूँ. So look at the colors. Oh my god, so pretty. So I'm using this shade right now. This shade. This is a transition shade. So I'm just using this. हल्का सा थोड़ा सा color देने के लिए मैं ज़्यादा use नहीं करती. You can see this. I use this transition shade mostly. मैं जब भी बाहर जाती हूँ कहीं, इससे बहुत अच्छा शेड मिल जाता है एक तो आपके आई लिड्स को एंड बहुत प्रिटी एक स्ट्रक्चर मिल जाता है. लाइक एंड उसके ऊपर मस्कारा लगाओ तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आ जाता है. सो अ हिंट ऑफ कलर वॉन्ट अफेक्ट योर ब्यूटी. सो दैट्स इट. अच्छे से ब्लेंड इन कर लो इसको. And most of you all ask me कि आपने ब्रशेज़ कहाँ से लिए हैं. सो ये जो भी मैंने ब्रश सेट मेरे पास है ये शीन से लिया है एंड सैडली शीन बैन हो चुका है. सो गाइज आई डोंट नो अब आप कैसे करोगे, कहाँ से लोगे, बट ये बहुत ही अच्छे ब्रशेज़ निकले हैं. सो दैट्स दैट एंड मूविंग ऑन आई एम गोना यूज़ लैश कर्लर ताकि मेरा जो मस्कारा है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे. एंड लैश कलर तो आपके पास होना चाहिए. लाइक बहुत ही ईजीली आपको प्रिटी बना देता. सो लैश कलर डन. नाउ आई एम गोना यूज़ माय फेवरेट मस्कारा एंड इट्स फ्रॉम लॉरियल पेरिस. It's their voluminous lash paradise waterproof mascara and ये बहुत ही bomb mascara है guys. कुछ ना लो mascara में, ये ज़रूर ले लेना. So I'm removing the excess just like that and I'm gonna apply it अच्छे से. एंड मेरे छोटे छोटे बाल मुझे हमेशा डिस्टर्ब करते हैं. बेबी हेयर, व्हाट टू डू गाइस. वही लोअर लैशेस में भी अच्छे से लगा लो. मस्कारा लगाने से ना आपकी आईज ओपन अप हो जाएंगी एंड इतनी प्रिटी लगते हैं ना, बाय गॉड. पूछो मत, नहीं मतलब पूछो. नीचे भी ऐसे ही लोअर लैश लाइन में अच्छे से लगा लो एंड वल्ला. मूविंग ऑन आई एम गोना यूज माय फेवरेट लिपस्टिक एंड दैट्स फ्रॉम नायका. सो दिस इज इन द शेड बॉम्बे बाय नायका एंड इट्स रियली प्रिटी गर्ल्स. इट्स रियली प्रिटी. सो इसकी स्टेइंग पावर इतनी नहीं है, ठीक ठीक है. अगर आपको छाओगे तो गायब हो जाता है. ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी है, बट शेड इज़ रियली प्रिटी. सो आई एम अप्लाइंग दिस.
looking so pretty. So jab tak ye dry hote hai lipstick, tab tak I'm gonna use a blush to give a pop of color on my face. It's like really pretty to apply blush. Isse ek alag si freshness aa jati hai face pe. So I would recommend to apply blush, and wo bhi halka sa, zyada nahi, matlab zyada heavy nahi, halka sa, taki lage bhai glow aa raha bandi mein. So I'm using this Wet n Wild in the shade Mellow Wine blush. It's really bomb, guys. और ये बहुत ज़्यादा ही pigmented है, तो ध्यान से लगाना जब भी लगाओ. खुलती नहीं है मुझसे यार. हल्का सा हंसो ऐसे. And उसको हल्का 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 लगाओ. थोड़ा सा flush of color होना चाहिए face पे, तभी तो लगेगा ना freshness. एंड थोड़ा सा फोरहेड पे आर एस एस कर लो, क्योंकि वाई नॉट, अच्छे से लगने चाहिए उन तुम फ्रेश एकदम बढ़िया मज़ेदार. सो दैट्स डन गाइस, एंड नाउ आई एम गोना यूज अ हाइलाइटर, एंड इट इज ऑप्शनल. एंड ये मैं वैसे नो मेकअप मेकअप लुक में रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप हाइलाइटर लगाओ, बट अगर किसी को ज़्यादा शौक है हाइलाइटर लगाने का तो वो लगा सकता है. बहुत ही हल्का, लाइक बहुत ही मिनिमल, बहुत ही मिनिमल. सो व्हाट यू गोना डू इज टेक योर हाइलाइटर, एनी हाइलाइटर. हेयर आई एम यूजिंग दिस Wet n Wild हाइलाइटर इन द शेड प्रेशियस पेटल्स, एंड ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर हाइलाइटर है. सो इसको क्या करना है, आपने हल्का सा लेना है, एकदम इतू सा लेना है, उसको हल्का सा रब करना है लाइक दिस, ताकि एक्सेस हाइलाइटर तो गायब भी हो जाए. एंड देन आफ्टर दैट अप्लाई इट ऑन योर चीक बोन्स लाइक दैट, लाइक हल्का सा ग्लो भी आ जाएगा फेस पे, एंड पता भी नहीं चलेगा कि आपने हाइलाइटर लगाया. एंड ये ट्रिक मैंने करी हुई है बहुत बारी. कैन यू सी दिस, दैट्स ट्रिक. एंड अगर आपकी फेस में टेक्स्चर है या एक्ने है तो हाईलाइटर तो बिल्कुल मत लगाना बॉस, क्योंकि वो हाईलाइट करेगा और आपकी टेक्स्चर स्किन को एंड आपके एक्ने को. एंड वन मोर थिंग आई डू, लाइक इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है अगर आपको ग्लो करना है. यू नो वट, आप क्या कर सकते हो, हल्का सा हाईलाइटर लो अपने ब्रश पे, एक्सेस को हटाओ, एंड देन आईब्रो के ऊपर हल्का सा ऐसे से लगा लो, क्योंकि दिस पर्टिकुलर पोर्शन विल हाईलाइट. आप बात करोगे सो ये हाईलाइट होगा एंड बहुत सुंदर लुक लगेगा. सो दैट्स इट गाइस, दिस इज माई नो मेकअप मेकअप लुक, एंड इट्स रियली सिंपल टू डू, एंड यू कैन डू कॉलेज में भी, एंड अगर आप आस पास कहीं जा रहे हो गैदरिंग में जहाँ आपको बहुत मिनिमल रखना है एंड सुंदर भी दिखना है, सो यू कैन डू दिस. एंड मैंने आज बहुत ही ज़्यादा गपशप कर ली है, ऐसा मुझे लगा. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, दिस इज़ माई नो मेकअप मेकअप लुक, एंड यू कैन वेयर इट एनी वेयर. इट्स अ वेरी सिंपल लुक, यू कैन ट्राई दिस आउट. एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक कॉमेंट शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. And also do comment कि आपको next video में क्या चाहिए, and subscribe to my channel first, and also hit the notification bell icon, तभी आपको पता चलेगा कि कनिका की video आ चुकी है. So yeah, that's it. Bye guys, see you soon.